है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आई होप आप सब अच्छे हैं। आज बनाऊंगी हरी प्याज की चटनी। इसके लिए मैंने मार्केट से यहाँ पे हरी प्याज जो आती है ना वो लेके आई हूँ, एकदम फ्रेश वाली। ये देखिए, अब इसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और प्याज और डंठे को अलग कर दी हूँ। देखिए प्याज की, ये प्याज को मैं यूज़ करूँगी और इसमें थोड़ा सा हरी पत्ती भी यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। इतना सा मैंने पत्ती ले लिया है और अच्छे से अब इसे धो लूँगी पानी डाल के। तो अब इसमें से पानी डाल के अच्छे से धो लूँगी इस तरीके से। अच्छे से मैंने क्लीन किया, थोड़ा बहुत जो भी मिट्टी वगैरह जो भी रहेगा वो निकल जाएगा और इस अच्छे से पानी से धो लेंगे। इसके बाद पत्तियों को भी धो लेंगे यहाँ पे पानी डाल के। और एकदम फ्रेश वाली है। और ये जो हरी प्याज होती है ना, इसकी पकौड़े बोलो, सब्जी बोलो या भाजी बोलो, जो भी बनाओ ना, काफ़ी टेस्टी बनता है। तो इसकी चटनी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आज दिखाऊंगी कैसे बनाया जाता है। तो धो के मैंने ही, देखिए इस तरीके से एकदम हरी पत्ती और उसके साथ में जो प्याज वगैरह आया था उसको सारे को अच्छे से कट कर लिया इस तरीके से। अब कट कर लिया मैंने। अब क्या करूँगी ना, यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली हूँ और इसमें यूज़ मतलब ऐड करूँगी सरसों का तेल। और कोई भी चटनी जो है ना गाइस, वो सरसों का तेल में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है सरसों का तेल। और इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है क्योंकि जो हरी प्याज और जो मैंने कट करके रखा है उसको हम अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे सबसे पहले। तो और इसमें अब ऐड करूँगी थोड़ा सा लहसुन, क्योंकि लहसुन के बिना तो चटनी में मतलब बात ही नहीं है, और बिना लहसुन के तो चटनी बनती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा लहसुन ऐड किया है। अब इसे और यहाँ पे अब ऐड करूँगी हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची जो है ना गाइस, वो आप अपने अनुसार ही यूज़ कीजिएगा, मतलब जितना आपको तीखी खानी हो। हमें तो तीखी काफ़ी अच्छी लगती है और हमें मतलब चटनी में तीखापन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिर्ची की क्वान्टिटी जो है वो मैंने ज़्यादा लिया है। अब यहाँ पर जो कटी हुई प्याज है, हरी प्याज है, वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से चला लूंगी। तो एकदम फ्रेश वाली प्याज है, मतलब हरी प्याज है, और ये काफी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। काफी प्रोटीन, काफी विटामिन होते हैं इसमें। तो ये काफी टेस्टी होता है खाने में भी और अपने हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे अच्छे से चलाएंगे क्योंकि हमें करनी है इसे फ्राई, एकदम ब्राउन में फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पे पलटा लेके आई हूँ, मुझे पलटा नहीं मिल रहा था, मतलब खुंती नहीं मिल रही थी, तो मिल गया है। अब अच्छे से इसे ऐसे इस तरीके से चला के भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से फिर से इसे चला लूँगी। तो देखिए अब जो है एकदम प्याज जो है वो भून चुका है इस तरीके से, एकदम गोल्डन गोल्डन। अब यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे करना है हमें गैस को ऑफ, ताकि और जल ना जाए। तो ये जो है एकदम परफेक्ट, हमें जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसे गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ठंडा हो चुका है गाइस एकदम प्रॉपर। अब मैं क्या करूँगी, इसे निकाल के मिक्सर के जार में डाल दूँगी। तो यहाँ पे हमने मिक्सर के जार में ले लिया है सारे प्याज को। अब क्या करेंगे, इसे
पीस लेंगे। तो देखिए मैंने पीस लिया है और चटनी जो बन के हो चुकी है रेडी एकदम। इसे आप रोटी राइस दोनों के साथ खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।